हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एडिमस में। आज हम डिस्कस करेंगे पीएसटेट सिलेबस पेपर टू, स्ट्रेटजी एंड सिलेबस। और मैं आपको इसके होल सिलेबस आपको क्लियर कर दूंगी कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कीप इन टच विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। In this video, we will talk about the PSTET syllabus. So, first of all, we will discuss कि कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। So, PSTET को वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने पंजाबी अपने किसी भी ईयर में 3 ईयर्स में पढ़ी हो। ओके, पंजाबी कंपल्सरी सब्जेक्ट है और वो बच्चे पंजाब के होने चाहिए। ओके, तो पंजाब में रहेंगे तो पंजाबी पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम को देंगे। ओके, और ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो क्या बातें हमने पढ़ी कि ग्रेजुएशन आपने की है, आप इस एग्ज़ाम को दीजिए, प्लस बीएड भी की होनी चाहिए, राइट। देन आपका पास पंजाबी होनी चाहिए, किसी भी 3 ईयर्स में आपके पास पंजाबी ज़रूर होनी चाहिए। ओके, तो ये बच्चे इसको दे सकते हैं। अभी आप बीएड कर रहे हैं, आप तभी भी दे सकते हैं। इसकी वैलिडिटी है 7 ईयर्स और आप बीएड कर चुके हैं तो आपको मस्ट देना ही चाहिए, क्योंकि इसी के एक बेस पे आप सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हो। ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, इसमें आपको 4 से 5 सब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है, चाइल्ड पैडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ओके, एंड मैथ साइंस जो है वो मैथ साइंस वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैथ का और साइंस का। और जो इंग्लिश के बच्चे हैं, सॉरी एसएसटी के बच्चे हैं जिनके पास सोशल होता है, तो उनका सोशल का होता है मैथ साइंस की जगह पे। ओके, सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। और हिंदी और इंग्लिश सबका सेम रहता है, पैडागोजी भी सबकी सेम रहती है, ठीक है। इतने ही सब्जेक्ट आते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के बच्चे वो होते हैं जो क्लास 5 तक पढ़ाते हैं, ओके, और पेपर 2 के वो बच्चे होते हैं जो कि क्लास 6 से 10 तक को पढ़ाते हैं। ओके, तो इसमें हम बात कर रहे हैं पेपर 2 की, ठीक है, पेपर 1 की भी बात करेंगे बट बाद में। तो पेपर 1 को भी मैं डिस्कस करूँगी बट इन अनदर वीडियो। ओके, टिल देन इसकी बात कर लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी आप जो भी बोलते हो, तो भी कंफर्टेबल हो, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो देखिए, इसके अंदर जो सब्जेक्ट आएंगे, लैंग्वेज और थॉट। अब लैंग्वेज के अंदर क्या होगा कि जिस तरह से लैंग्वेज है, लैंग्वेज किसने दी, लैंग्वेज पे चॉम्स्की ने बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा 1 नंबर का, और चॉम्स्की के ऊपर ही ज़्यादा आता है। तो स्किनर ने लैंग्वेज पे बात की है, ठीक है, इन दोनों का क्लैश भी रहा है, और इसके अंदर बात की है क्रैशे ने बात की है इसके अंदर, ठीक है, लैंग्वेज की, और भी लैंग्वेज की बात वाइगोस्के ने की है, लैंग्वेज की बात, लैंग्वेज और थॉट है ना, और लैंग्वेज और थॉट के बारे में बात तो पियाजे ने भी की है। अब इन दोनों का क्लैश भी है एक थ्योरी में, जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा इनका इनका क्या क्लैश है। क्या इसने माइंड के ऊपर बताया कि लैंग्वेज के ऊपर बताया, इसने माइंड के ऊपर बताया कि लैंग्वेज के ऊपर बताया, किसने क्या कहा। और चॉम्स्की का हमारा जो है माइंड, उसने कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया, तो चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया, और उसके अंदर उसने एलईडी की बात की, उसके जो मतभेद थे स्किनर के साथ उसको भी हम स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसके अंदर क्या है कि जो प्रिंसिपल हैं कि बच्चे कौन से आधार पे उनकी डेवलपमेंट होती है, कि जैसे कि बच्चों का ऊपर से नीचे कैसे विकास होता है, दाएं से बाएं कैसा विकास होता है, बच्चों का स्पायरल विकास कैसा होता है, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं कि एक
जो एक ये प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, स्लो स्लो प्रोसीजर है क्या, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, जो भी प्रिंसिपल्स उसके होते हैं डेवलपमेंट के आप पढ़ेंगे। फिर आप उसके अंदर सोशलाइजेशन को पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर बंडूरा की थ्योरी आ जाती है, ओके। और थोड़ा सा इसके अंदर वाइगोत्स्की को आप स्टडी, सोशल का रोल वाइगोत्स्की ने बहुत दिया है। फिर पियाजे, कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से, और वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि इस वाइगोत्स्की का आंसर एक ही होता है कि वाइगोत्स्की के दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो समाज की अवधारणा जो दी है उसने, आप वो पढ़ जाओगे, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये पूछ लेगा आपसे, तो वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे। फिर आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की चाइल्ड को मद्देनज़र रखते हुए हमें कैसी एजुकेशन देनी चाहिए वो हो गया। फिर मोटिवेशन कैसे बच्चों को मिलेगी, लर्निंग के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे और कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, लर्निंग के अंदर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हेरिडिटी का क्या है, एनवायरनमेंट का क्या रोल है, हेरिडिटी का क्या रोल है बच्चों के ऊपर और किस तरह से वो इसको इफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव क्या है कि इंटेलिजेंस कैसी होती है, जैसे कि बिनी ने दिया, बिनी साइमन आया। फिर उसके अंदर बहुत से ऐसे स्पीयरमैन हो गया, मतलब बहुत से ऐसे इंटेलिजेंस के लोग हैं जिन्होंने थ्योरी दी, तो उन सबको हमें डिटेल में डिस्कस करना है, पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं लर्नर के अंदर, उसको जैसे एक बच्चा को स्लो लर्नर होता है, एक फास्ट लर्नर होता है, एक खेल के पसंद करता है तो एक बैठ के पसंद करता है, मतलब अलग अलग बच्चों की अलग अलग हैबिट्स होती हैं, उसके हिसाब से स्कूल बेस्ड असेसमेंट जैसे कैसे होती है, हम इवेल्युएशन सिस्टम को पढ़ते हैं, उसके अंदर स्कूल बेस्ड असेसमेंट आजकल चलने लगी है कि आजकल कंट्रोल टीचर के हाथ में होता है, टीचर उसको कैसे किस किस चीज़ों के ऊपर मार्क्स देता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसके बिहेवियर, उसके स्टडी, एवरीथिंग जो होता है काउंट होता है, तो वो स्कूल बेस्ड हो गई। उसके बाद में फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन फॉर एक्सेसिंग लेवल ऑफ लर्नर, कि लर्नर के लेवल कौन से होते हैं लर्न करने के, वो किस तरह से पढ़ते हैं, तो उसके लेवल्स होते हैं कि एक आपको डिटेल में नहीं बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ के जाना है, ऐसा कि अगर बच्चा होता तो हम उसको कैसे पढ़ाते, अगर हम बच्चे होते तो हम कैसा पढ़ना पसंद करते, तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो इस सिलेबस को कवर करना मुश्किल नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन कि एड्रेसिंग स्पेशली एंड एबल्ड लर्नर, जो विकलांग होते हैं हमारे या किसी तरह से मंद बुद्धि होते हैं या इस तरह के जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, डिसीज होती है, उन बच्चों को कैसे हैंडल करना है, जो इम्पेयर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि दिखता नहीं है किसी को, उस तरह के बच्चे उनको कैसे, जेंडर का क्या रोल है, उस जेंडर के बाद भेदभाव होता है जिस तरह से, ये तो एक कॉमन टॉपिक है कि आप इसको छोड़ ही नहीं सकते और आप इसको कर भी नहीं सकते, मतलब इसको करने बैठेंगे तो क्या करेंगे, हमें सब पता है जेंडर का इतना बड़ा रोल है, और नहीं करेंगे तो क्या नहीं करेंगे, कि बढ़ के नहीं गए तो आपको बेसिक टर्म्स भूल जाएंगे, तो एक रीडिंग बनती है। ओके, तो चिल्ड्रन फेल क्यों हो जाते हैं, है ना, क्या रोल होता है, अच्छा क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या पता उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, क्या पता उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो, क्या पता वो कुछ कुछ अलग तरह की सोच रखता हो, राइट। देन बेसिक प्रोसेस क्या है टीचिंग का और लर्निंग का, और चिल्ड्रन कैसे सोचते हैं, कैसे लर्न करते हैं, ये सब, और चाइल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, और दिमाग और इमोशन का क्या रोल है, क्या दिमाग इमोशन को इफेक्ट करते हैं या इमोशन दिमाग को इफेक्ट करते हैं, इन सब का रोल हम पढ़ेंगे। और पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से होते हैं कि जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। देन बात करेंगे लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू की। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू बहुत आर सेम, बट इसमें ये होगा कि एक पेपर आपको, जैसे आपने लैंग्वेज जो भी चूज़ की होगी, और मान लीजिए आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ की, तो आपको हिंदी के थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आते हैं आएंगे, ऐसा लगा के चलिए कि जो लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उसके लैंग्वेज मुश्किल, उसके क्वेश्चन मुश्किल आएंगे, तो आपको लैंग्वेज वही चूज़ करनी है जो आपके बहुत ईजी लगती हो, जैसे आपके अगर हिंदी में कमांड अच्छी है तो आप पेपर वन हिंदी लेंगे, इस तरह से ये प्रोसेस, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आप देख ही लेंगे, आप और कई बच्चों ने सीटेट भरा होगा तो उनको क्लियर क्लियर भी होगा, ठीक है। इसमें पैडागोजी
कैसी होती है और लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या बच्चे घर में रह के सीखते हैं, एक्विजिशन कैसे होती है, ये सब रीडिंग इसमें पैसेज आता है कि आपने पैसेज देने से क्वेश्चन करने हैं, वो तो आप करेंगे करेंगे सीधे सीधे। इसमें से आई थिंक 15 मार्क्स इसके ही होते हैं, ठीक है, बाकी पैडागोजी के बचते हैं। तो पैडागोजी जब आप साइकोलॉजी कर लेंगे ना, तो आपको आपके काफ़ी सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पता है कि अगर आपने साइकोलॉजी कर ली तो आपके काफ़ी कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कोई मुश्किल बात नहीं रह जाएगी आपके लिए पैडागोजी करनी। और पैडागोजी में आपके कॉम्प्रिहेंशन के मार्क्स इतने बनेंगे तो वो भी आपके लिए मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है। बट या वन मंथ आई थिंक अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, अगर हम टीचिंग करा रहे हैं तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे हमें पढ़ाना चाहिए, और हम लिसनिंग का रोल क्या है, स्पीकिंग का रोल क्या है, ठीक है, लर्निंग हम कैसे करते हैं, अक्वायर करते हैं और लर्न करते हैं, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, और किस तरह से हम बच्चे को एक सेकेंड लैंग्वेज सिखा सकते हैं। अच्छा, तो रोल ग्रामर का रोल क्या है लर्निंग में, ठीक है, और जो जो भी थ्योरीज दी गई हैं लैंग्वेज के ऊपर वो आप स्टडी करके जाएंगे इसके अंदर, और आप लैंग्वेज की जो स्किल होती है कि कौन सी स्किल होती हैं आप वो सुन के पढ़ के जाएंगे जहाँ से भी रीड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊँ, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आपको इसको किस तरह से पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है और किस तरह से पढ़ा जाए, और कौन से चैनल्स और सोर्सेज को हम ध्यान में रखें कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए विद इन एग्ज़ाम पीरियड, कि आपने उस एग्ज़ाम पढ़ा और आप एग्ज़ाम क्लियर करने तक बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ, इतने ही टाइम में आपको ये क्लियर कर पाएंगे। तो इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, कि आप कैसे इवेलुएट करेंगे अपनी कि आपने कितना सीख लिया है और आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है, चैलेंज क्या है टीचिंग लैंग्वेज में, जो भी चैलेंज आ रहे हैं आजकल कि बच्चे कि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड थे अब न्यू मेथड आ गए हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा आना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन या बच्चे को इन्वायरमेंट में ले जाके पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, रेमेडियल टीचिंग कैसी होनी चाहिए, बच्चे को सुधारा कैसे जाए अगर उसके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये इस तरह से। फिर सोशल स्टडीज़ की बात करेंगे, सोशल स्टडीज़ में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, और सोशल और पॉलिटिकल लाइफ यानी कि आपको इसमें सीधी सीधी पॉलिटिक्स पढ़नी है सारी की सारी 6 to 8 क्लास, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, आपकी मर्जी है, आप 10th तक भी पढ़ सकते हैं पर 6 to 8 तो कंपलसरी है, ओके। और हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर में से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर इज़ द की ऑफ दिस एग्ज़ाम्स, दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स। और ज्योग्राफी आप करके जाएंगे बेसिक बेसिक की, जैसे जल संधि क्या होती है, जिसको आप बोलते हैं कि 2 महासागर कितने हैं, सबसे बड़ा कौन सा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। आप पंजाबी की जो है SCERT की बुक्स जो हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, SCERT की जो बुक हैं वो आप पंजाब बोर्ड की इस पेपर क्लियर करने के लिए SCERT की जो 6 to 8 बुक्स हैं उसको तो आप पक्के से क्लियर करके जाइए। अभी इसके अंदर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है कि किस तरह से हम क्या पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, प्लस आप CTET के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, बाहर से आएगा ही नहीं, बाहर से नहीं आएगा, इसी चीज़ों में से आएगा। अब जब आप ये सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। तो फिर आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, राइट। फिर पैडागोजिकल इशू वही आपके यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हमने जो पैडागोजिकल इशू यहाँ पढ़ने हैं, यहाँ जो हम पैडागोजिकल इशू पढ़ेंगे वो हम अपने
एसएसटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि इसमें एनेक्डोटल मेथड होता है, जिस तरह से अगर जो चार्ट्स, ग्लोब, ये सब मटेरियल यूज़ किया जाता है एसएसटी की क्लास में, और एसएसटी की क्लास में हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, हम फील्ड स्टडी कर सकते हैं, हम कैसे पढ़ा सकते हैं, और ये सब आपको पैडागोजिकल पढ़ना है, मगर आपको एसएसटी के पर्सपेक्टिव से, सोशल के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ओके। लेकिन इसके बारे में आपको फिर से कह रही हूँ, मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता सकती हूँ कि इसके अंदर आप कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्या है उसमें से। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी, ओके। और देन सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट माई सब्जेक्ट, सो मैथमेटिक और साइंस मैं आपको सिर्फ सिलेबस बता देती हूँ एक्चुअली। तो देखिए, प्रोसीजर सेम है, 6 to 8 कंपलसरी है, करके जाइए, 6 to 8 नहीं छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक्स, राइट, उसमें से जो भी आपके फंक्शन क्लियर होंगे, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, डाटा हैंडलिंग, पैडागोजिकल इशू। अब पैडागोजिकल इशू यहाँ भी हम मैथ्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि मैथ्स में जैसे कोई न्यू ऐप आ गई है उसके थ्रू पढ़ाते हैं, या जो ज्योमेट्री होती है उसके थ्रू पढ़ाते हैं, या फिर आपको कैसे शेप्स के थ्रू पढ़ाते हैं, आपको कैसे रियल लाइफ एग्जांपल देके पढ़ाते हैं, तो वो सब। और साइंस, साइंस में आप जो जो ये चैप्टर दे रखे हैं आप इसको देख के, और एक बार आप एससीईआरटी की बुक्स और सीबीएसई की बुक्स एनालाइज कर लेंगे तो ये टॉपिक आप उसमें से पढ़ोगे कि आपने पढ़ लिया फूड, आपने पढ़ लिया सोर्सेज ऑफ फूड, फिर कंपोनेंट ऑफ फूड, फिर क्लीनिंग फूड मटेरियल पढ़ा, फिर वर्ड ऑफ लिविंग पढ़ा, ऐसे है करके। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब आई नो वेरी वेल, बट क्या है कि जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो उसमें आपकी कमांड होती है, ओके। तो क्या है, 6 to 8 पंजाब बोर्ड के लिए एससीईआरटी की बुक्स कंपलसरी हैं, आपने पढ़नी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इन सब के पढ़ेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ओके। और आप क्या करेंगे, आप इसके लिए आप गूगल नहीं करेंगे, इसके लिए आप यूट्यूब की वीडियोस का सहारा लेंगे, जिसमें कि बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप सीटेट वाली वीडियो ही देख के काम चला सकते हैं, ओके। और आपको अगर पीएच कर रहे हैं, आप अगर पीएच कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपने बी एड करनी कर रहे हैं और आपके बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे ही पहले ही क्लियर हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो क्लियर आउट कर गए हैं उनको अपना सिलेबस फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है बी एड जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। तो आप इसको, ये मेरे एक्सपीरियंस से, आप इसको अगर आपने पहले से किसी एग्ज़ाम की सीटेट की तैयारी कर रखी है, अगर कर रखी है ना, तो आप इसको बहुत कम टाइम में, जैसे कि प्लस 1 मंथ की स्टडी से आप इसको इसको 1 मंथ की स्टडी से ही कंप्लीट कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपने सीटेट का पेपर नहीं दिया है, आप पहली बार पीएसटेट का पेपर दे रहे हैं, पीएसटेट का, तो आप लगा के चलिए 2 मंथ बहुत इनफ है, अगर बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है। अगर आप ऐसे ही पढ़ते हैं खेल खेल में, मस्ती मस्ती में, तो आप 3 मंथ में ये एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। एंड दिस इज़ डेफिनेटली दिस इज़ हाउ आई क्लियर माई एग्ज़ाम विद इन 1 मंथ ऑफ माई एग्ज़ाम डेट, एंड दिस इज़ हाउ आई क्लियर माई सी टेट ऑल्सो। सो दिस इज़ नॉट कि रैंडमली मैंने वीडियो बना दिया, बट आई टोल्ड यू एवरीथिंग विद माई एक्सपीरियंस, आई टोल्ड यू एवरीथिंग विद माई एक्सपीरियंस। सो कीप इन टच विद मी, थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।